हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, ठीक है, दिल्ली सराई रोहिला, दिल्ली छावनी, गुड़गांव व इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुड़गांव के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि गाजियाबाद से कितनी दूर है और किस प्रकार से हम जा सकते हैं और इनके बीच कितनी दूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैप बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैप है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ है, यहाँ पर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है, इस साइड ये पूर्व है, पश्चिम है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैप के हिसाब से मैप बनाया गया है, ठीक है। और ये जो मैप देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, उसी प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड ये है गाजियाबाद जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजियाबाद जंक्शन से हम आपको सारे रेलवे स्टेशनों की जो भी मैंने ऊपर बताए हैं वो, और साथ में बीच में जो भी रेलवे स्टेशन आते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं गाजियाबाद जंक्शन से। अगर हमें दिल्ली जंक्शन आना हो, मतलब कि पुरानी दिल्ली आना हो, दिल्ली जंक्शन का दूसरा नाम है पुरानी दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये है पुरानी दिल्ली, तो यहाँ पर इसके लिए ये रेलवे ट्रैक है, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाजियाबाद जंक्शन से शाहबाद जंक्शन आना पड़ता है, ठीक है। शाहबाद 6 किलोमीटर है गाजियाबाद से, उसके बाद यहाँ से दो लाइन फट जाती हैं, एक आनंद विहार की तरफ जाती है, नई दिल्ली की तरफ, ठीक है, हजरत निजामुद्दीन की तरफ, और एक लाइन यहाँ पर दिल्ली जंक्शन की तरफ जाती है, पुरानी दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे गाजियाबाद जंक्शन से और दिल्ली जंक्शन, पुरानी दिल्ली के बीच 20 किलोमीटर की दूरी है, कितनी है, 20 किलोमीटर की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गाजियाबाद से शाहबाद की 6 किलोमीटर दूरी है और यहाँ पर आनंद विहार टर्मिनल की 12 किलोमीटर, ठीक है। गाजियाबाद जंक्शन से 12 किलोमीटर दूर है आनंद विहार। उसके बाद यहाँ पर इसी रूट पर देख सकते हैं इस साइड ये हजरत निजामुद्दीन है जो कि गाजियाबाद से 23 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड जाते हैं नई दिल्ली की तरफ आनंद विहार से इस साइड, तो यहाँ पर ये तिलकवीर जाता है, ये 22 किलोमीटर है गाजियाबाद से। उसके बाद शिवाजी वीर जाता है जो कि 23 किलोमीटर है गाजियाबाद जंक्शन से। उसके बाद यहाँ पर हम नई दिल्ली की बात करें तो गाजियाबाद जंक्शन से इस रूट पर यहाँ पर ये 24 किलोमीटर पड़ता है, गाजियाबाद जंक्शन से नई दिल्ली के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली से आगे है सदर बाज़ार, ये 26 किलोमीटर पड़ता है गाजियाबाद जंक्शन से, जो कि यहाँ पर इस साइड आनंद विहार नई दिल्ली होते हुए आगे हम पूछते हैं। उसके बाद इस साइड ये दिल्ली जंक्शन हो गया, मैंने आपको पहले बता दिया, और इस साइड हम आते हैं तो दिल्ली किशनगंज आउटर आता है, ठीक है। तो आउटर से लाइनें फटती हैं, तो यहाँ पर इस साइड ये सब्जी मंडी की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये सदर बाज़ार है, ये 26 किलोमीटर आपको मैंने बता दिया, आगे दिल्ली किशनगंज आउटर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किशनगंज आता है इस लाइन पर, ठीक है। इस साइड ये जो ट्रैक देख रहे हैं रेलवे का, ये 24 किलोमीटर है किशनगंज गाजियाबाद जंक्शन से। इस साइड हम सब्जी मंडी, ये नई लाइन, दूसरी लाइन है, मतलब जो दिल्ली किशनगंज आउटर है इससे फट जाती है, तो ये सब्जी मंडी की तरफ जाती है, आगे दिल्ली आज़ादपुर और यहाँ पर आदर्श नगर दिल्ली, इस साइड ये जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जी मंडी की बात करें तो गाजियाबाद से ये 23 किलोमीटर है इस रूट से आते हैं। तो अगर इस दिल्ली जंक्शन वाले रूट से आते हैं पुरानी दिल्ली होकर, तो इसमें 1-2 किलोमीटर घट जाता है, बढ़ जाता है, बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर ये 33 किलोमीटर है दिल्ली आज़ादपुर और आगे ये 35 किलोमीटर है आदर्श नगर दिल्ली, ठीक है। सब्जी मंडी ये 23 किलोमीटर है, ये यहाँ पर दिल्ली किशनगंज आउटर से फट जाती है। अब बात करते हैं इस साइड आउटर के बाद यहाँ पर किशनगंज आता है जो कि 28 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि गाजियाबाद जंक्शन से और दिल्ली सराई रोहिला के बीच कितनी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 24 किलोमीटर है, नहीं 28 किलोमीटर है, सॉरी 28 किलोमीटर है। और यहाँ पर इस साइड हम आते हैं जो विवेकानंद पुरी हॉल है, ये इसके पास में है दिल्ली सराई रोहिला के पास में, तो ये 1-2 किलोमीटर पड़ जाता है वैसे अगर हम घूमकर बाहर से आते हैं तो, लेकिन ये 1 किलोमीटर ही है लगभग, इसके पास में ही है दिल्ली सराई रोहिला रेलवे स्टेशन के पास में, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आता है दयाबस्ती, ये 31 किलोमीटर है किससे, गाजियाबाद जंक्शन से। जब हम आनंद विहार नई दिल्ली होते हुए दिल्ली सराय रोहिला होते हुए आगे यहाँ पर दयाबस्ती आते हैं, उसके बाद आगे रेलवे स्टेशन आता है पटेल नगर जो कि 33 किलोमीटर पड़ता है गाजिया रेलवे स्टेशन से। उसके बाद कीर्ति नगर, ये 2-3 किलोमीटर की दूरी के बाद आ जाता है, ठीक है। तो बीच में और भी रेलवे स्टेशन आते हैं छोटे, वो यहाँ पर आपको नहीं बता रहा मैं, ठीक है। उसके बाद जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली छावनी, इनमें कन्फ्यूज रहता है, दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रोहिला, दिल्ली जंक्शन, ठीक है, सब्जी मंडी, नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से जंक्शन से यहाँ पर दिल्ली छावनी की बात करें तो जो रेलवे ट्रैक है उसके हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने आपको फिर से बता दिया, दिल्ली कैंट, दिल्ली छावनी, इस रेलवे स्टेशन का नाम है दिल्ली छावनी, इसे दिल्ली कैंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी है 34 किलोमीटर, ठीक है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी है 34 किलोमीटर जब हम यहाँ से नई दिल्ली होते हुए आते हैं। अगर इस साइड से आते हैं दिल्ली जंक्शन से तो 1-2 किलोमीटर कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बस इतना ही है, लेकिन कम ही होगी दिल्ली जंक्शन से आएंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे आता है रेलवे स्टेशन पालम, पालम रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ पर ये पालम रेलवे स्टेशन है ये 43 किलोमीटर है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से। अगर हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना है तो ट्रेन के माध्यम से अगर आते हैं हम तो हमें पालमपुर आना चाहिए, ठीक है, दिल्ली छावनी या पालमपुर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पालमपुर रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 35 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर आपको टर्मिनल 1, 2, 3, तो मतलब जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें 3 टर्मिनल हैं 1, 2, 3, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस साइड ये टर्मिनल T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। तो इसकी भी दूरी बताऊँगा मैं T1 से, T2 से, T3 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पालमपुर रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो कितनी दूर है, तो ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, ये मानो 5 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल है उनकी भी 2-3 किलोमीटर की दूरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर पालमपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे पालमपुर से, यहाँ पर शाहबाद, मोहम्मदपुर, ये रेलवे स्टेशन आता है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड ये गुड़गांव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसकी बात करते हैं, तो अगर हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से जंक्शन से आते हैं तो T2 की 43 किलोमीटर दूरी पड़ती है T1 की 39 किलोमीटर, और यहाँ पर T3 की 44 किलोमीटर दूरी पड़ती है, ठीक है। तो ये 1-2-3 किलोमीटर के एरिए में है, ठीक है। T1 और T2 के बीच की दूरी आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक है, और T1 और T2 के बीच की यहाँ पर 4 किलोमीटर है, और T3 और T2 के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसके बारे में बता दिया मैंने, और जो दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रोहिला और दिल्ली जंक्शन और नई दिल्ली आनंद विहार, इनके बारे में बता दिया कि गाजियाबाद जंक्शन से कितनी दूर है ये सब रेलवे स्टेशन और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की रेलवे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।